समंदर का किनारा और सोना नजारा, मेरी गाड़ी चलाने का नजारा, ये बड़ा ही एक रेयर इवेंट है जो कि आप दोनों एक साथ देख रहे हैं। और पीछे हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, इन्होंने कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। खालबन ने मेरी ड्राइविंग स्किल्स पे जो है ना वो पूरा यकीन नहीं है, चुपचाप बैठ गया मेरे, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्टर अभी बता नहीं रहे कि जाना किधर, सीधा सीधे जाना ये मोनल के तर्ज पे एक होटल बना हुआ है बीच पे। हमारा भी कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रोग्राम बन रहा है। इन्वेस्टर आ गए ने कराची वाले, वो बड़ा कोड़ा ड्राइवर है साथ जी, पूरा ले जाऊंगा कराची जी ने, जिन्हू पता लगता था ना भैया आ गया, गड़िया कहनिया छाड़ दी दिया लोगों ने भाई, बाहर पीट दे दी थी भाई यार, इतनी स्पीड नहीं यार। सबर सबर मेरा बच्चा सबर, सबर सबर फॉलो द रोड। अभी हम आपको लेके जा रहे हैं मेन सी व्यू की तरफ, वहाँ पहुँचते हैं आज इरफान भाई की शूटिंग भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो कुछ एक्टर्स हमारे पीछे बैठे हैं, इमरान साहब को बहुत ज्यादा पैसा दिया हमने सिर्फ एक वीडियो के लिए, बड़ी मुश्किल से इतने कॉन्टेंट, 350 रुपए पर। ये अभी हम खड़े हैं जी बीच व्यू क्लब के सामने, अभी आ गए हम सी व्यू पे, नजर तो आ रहा होगा समंदर की लहरें। अच्छा व्यू, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि पता नहीं कब वापसी हो हमारी समंदर साहिल समंदर से। तो अदनान साहब ने तो छालियाँ वगैरह पान वगैरह ख़रीद लिया अपना। इरफान हैदर भी आखिरकार वापस आ चुके हैं, एक घंटे से पार्किंग ढूंढ रहे थे, आखिरकार इनको गाड़ी की पार्किंग मिल गई और ये गाड़ी पार्क करके वापस आ चुके हैं। बीच पे काफी सुहाना मौसम बन चुका है, मशहूर है कि कराची की शाम बहुत ही सुहानी और खूबसूरत, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट को यहाँ पे तवज्जो भी देनी चाहिए कोई सफाई वगैरह की। फान भाई हेलो, असल में बात यह है कि इरफान अदर के अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड बढ़ गया है, क्योंकि पहली दफ़ा ये बीच पे घूमने के लिए बंदा आया है, तो इसलिए हमने आवाज़ें काफ़ी दी हैं लेकिन इसने सुना नहीं है, एंजॉय कर रहा है, रौनकें देख रहा है बीच की। इरफान साहब नहाएंगे आप समंदर में, महके नजारे। ये सिटियां जनाब, ये आप देख रहे हैं, इरफान हमें काफी एक्साइटेड लग रहे हैं, बहुत जल्दी है इनको समंदर में गोता लगाने की, जा रहे हैं ये समंदर की तरफ, उम्मीद नहीं है कि क्योंकि वहाँ पंजाब ये नाले पे भी नहीं नहाते, तो यहाँ समंदर में क्या नहाएंगे, समंदर नाले को छोड़े ये बिल्कुल नहाते हैं ही नहीं। बहुत ज़िद करने के बाद आखिरकार इरफान हैदर तैयार हो गए हैं कि वो समंदर की गहराई में जाएंगे, लहरें काफ़ी आ रही हैं समंदर की हमारी तरफ, तो जब ये समंदर की लहरें एक बार बाहर आती हैं तो वापस पता नहीं कैसे ये जाती हैं। हवाओं की आप आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठंडी शाम होने को है,
तो काफ़ी लोग यहाँ पे जमा हो रहे हैं। इरफान हैदर का भी जाग रहा है, अंदर का डांस करने का दिल कर रहा है इरफान हैदर का भी, और लोग काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं। अभी हमारा प्रोग्राम है कि घोड़सवारी करने का, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है घोड़सवारी का। पिछले दिनों इरफान हैदर गिरे थे घोड़े से, तो आज फिर प्रोग्राम बना रहे हैं कि घोड़सवारी करेंगे, उसके बाद बाइक राइडिंग करेंगे यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं समंदर में, समंदर की गहराई में। आहिस्ता आहिस्ता शाम भी नज़दीक आ रही है और लोग भी बहुत ज़्यादा जमा हो रहे हैं। चलें, हम तो पंजाब से आए थे लेकिन यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा आते हैं बीच पे। अभी ये ड्राइव करेंगे इरफान हैदर और मैं। खान की बहुत ज़्यादा मेहनत समाजत करने के बाद आखिर हमारी डील डन हुई 300 रुपये में। खान 500 रुपया मांगता था, तो जाती दफ़ा ड्राइव मैं करूँगा वापसी पे, इरफान फाना करूँगा ड्राइव। भाई अरे सीधा जाने दे भाई। अच्छा, ये अब जो मोटरसाइकिल वाला खड़ा है ना, तो इरफान का प्रोग्राम है फ्री में एक झूला एक फेरा लिया जाए इससे, लेकिन वो खान नहीं मान रहा। अब हमारे भी जाने का वक्त हो गया, शाम हो चुकी है। उम्मीद तो है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, तो चैनल नच्ची बाई को आप लाजमी सब्सक्राइब करें। क्या बात है, मौसम तेरी छा गया भाई। बच्चे दा तो बोले इरफान साहब, तुसी भी घोड़ सवारी करो ना। इरफान भाई आप भी घोड़ सवारी करें ना। ना जी ना, मैं कोई फिर आप घोड़ सवारी नहीं तो फिर आप ऊंट सवारी। वाह बच्चों की अर्तुगल मारकर रही है देवा। दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। खुशकी पे तो हमारे चैनल का नाम था ही था, आज समंदर के साहिल पे और गीली रेत पे भी नच्ची करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ दें हम सबको इजाजत। अगले व्लॉग के लिए मिलते हैं बहुत जल्द। ले जी, इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उम्मीद करते हैं आपने भी हमारे साथ इंजॉय किया होगा। हमें दे इजाज़त और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। एक फोटो चेक मेरी।